हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए डिफरेंट साड़ी लुक लेके आई हूँ। आप अपने ब्राइडल चुन्नियों को कैसे अपनी नॉर्मल साड़ी या पार्टी वेयर साड़ी को एक अलग यूनिक स्टाइल दे सकें, इसलिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी साड़ी रैपिंग लेके आई हूँ। आप अपने किसी भी पार्टी वेयर या नॉर्मल सिंपल साड़ी को वेयर कर लीजिए अच्छे से, जैसे आप नॉर्मली वेयर करते हैं। मैं आपको ऐसे पार्टी वेयर नॉर्मल वाइट कलर की साड़ी पर रेड दुपट्टा वेयर करके दिखाऊंगी आज। ये वाइट साड़ी अच्छी थी, आप ले लेंगे या आप किसी भी कलर की साड़ी ले लेंगे। मैं आपको रेड एंड वाइट का कॉम्बो दिखाना चाहती हूँ। आप अपनी किसी भी कलर की साड़ी ले सकते हैं, तो आपके ब्राइडल दुपट्टे जो वेस्ट रहते हैं पड़े हुए बस अलमारी में ऐसे ही, उसे आप अपने साड़ी के साथ सूट के साथ अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। मैं आपको साड़ी के साथ कैसे मल्टी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं वो वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, मैंने अपनी वाइट कलर की साड़ी ली है, इस पर बहुत अच्छा सा एक प्रिंट सा बना हुआ है पेड़ टाइप में, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है ये साड़ी। तो मैंने इसे ऊपर वाइट टॉप ही लिया हुआ है क्योंकि दुपट्टा रेड कलर का है तो अच्छा लगेगा, वाइट वाइट रेड कॉम्बिनेशन। तो हम इसको अब साड़ी की तरह ट्रैप कर लेंगे, अच्छे से हम प्लीट बना लेंगे। मैंने इसमें कोई भी ज़्यादा सेफ्टी पिन यूज़ नहीं किया हुआ है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। मैं इसे प्लेट बना चुकी हूँ साड़ी की, जैसे आप नॉर्मल प्लेट बनाते हैं, मैं आपको जैसे अपने हर वीडियो में प्लेट्स बना के दिखाती हूँ वैसे ही नॉर्मल प्लेट आप बना लेंगे अच्छे से। फ्लोर टच, अगर हील पहनना है तो हील पहन के प्लेट्स बनाएं, आपको बहुत सहूलियत रहेगी और साड़ी भी आपकी ख़राब या ऊपर नीचे नहीं लगेगी। ऐसे आप अपने अच्छे से प्लेट्स बना लीजिए और उसको अच्छे से आप इसे झटकते रहिए कि वो बिल्कुल ठीक रहे। अगर आपकी साड़ी नीचे से नहीं बैठ रही है, उस पर कोई बॉर्डर है हैवी या कोई भी ऐसा वर्क हुआ है, इस पर एक बॉर्डर है थोड़ा, उसमें मिरर वैसा वर्क है, लिटिल लिटिल मिरर वर्क है इसमें, तो वो नीचे नहीं अगर अच्छे से बैठेगा तो हम उसको ऐसे पकड़ते हुए अच्छे से अपनी प्लेट्स को ऐसे पकड़ते हुए वहाँ पर हल्का सा हम प्रेशर देंगे कि वो अच्छे से जो बॉर्डर है वो सही से बैठ जाए, ऐसे एक एक करके अच्छे से शो हो। देखिए, अब ये जो बिल्कुल अच्छे से शो होगी, देखिए बिल्कुल एक एक प्लेट अच्छे से शो होगी। अगर आपकी कोई भी साड़ी अच्छे से नहीं बैठती है तो प्लेट्स को लेते हुए वहाँ पे हल्का सा दबाव डालें। अब ये हम अच्छे से इसके प्लेट्स बना लेंगे जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, लहंगे पे भी और साड़ी पे भी हम वही लुक कैरी करेंगे। हम इसे ऐसे, मतलब आप जितना भी इसे चौड़ा या पतला रख सके उतना रख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेफ्टी पिन लगाना चाहें तो शोल्डर से और आगे दो और एक शोल्डर पे तीन लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक शोल्डर पे ही काफ़ी होता है। देखिए, नीचे प्लेट्स कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल एक एक प्लेट्स नज़र आ रही है। मैंने इसमें सिर्फ एक सेफ्टी पिन लगा रखा है शोल्डर के पास, और आप चाहें आगे अगर आपको बिल्कुल पतली लेयर वाली दिखानी है साड़ी तो आप पल्ले पे दो तीन लगा सकते हैं प्लेट्स, और चाहें तो पीछे जो पल्ला खाली यूज़ हो रहा है आप उसे भी दो तीन चार सेफ्टी पिन लगा सकते हैं अगर आपको बॉर्डर टू बॉर्डर दिखाना है। मैंने सिर्फ एक ही सेफ्टी पिन लगा रखा है, उससे ये बहुत अच्छा, फिर भी एक बहुत अच्छा स्टाइल हो रहा है और ये होल्ड भी है तो काफ़ी अच्छा ये हमारा लुक है। आप चाहें तो अपनी किसी साड़ी को ऐसे भी पहन सकते हैं नॉर्मली। उसको आजकल लंबे वाले ब्लाउज वापस से चलना स्टार्ट हो गए हैं तो आप वैसे भी ब्लाउज़ कैरी कर सकते हैं। तो मैंने टॉप को फोल्ड किया हुआ है इसमें, देखिए फिर टॉप को फोल्ड किया हुआ है, उस पर ये साड़ी है वाइट एंड वाइट कॉम्बो कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें बेल्ट लगा देंगे तो एक बहुत अच्छा इंडो वेस्टर्न लुक बन जाएगा हमारा और एक नया स्टाइलिश लुक हम कैरी कर पाएंगे। ये प्लेट्स भी अच्छे से बनी है, चाहे अगर नेवल शो करना तो नेवल शो कर सकते हैं, वरना उसे ऐसे कवर कर सकते हैं सेंटर से, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक लगता है। आप चाहें तो अपने किसी भी टॉप पे, शर्ट पे, किसी भी वो जो नेट की शर्ट या नेट में टॉप होता है अच्छे से हाफ हाफ जो होता है वैसे में, या किसी भी प्रिंटेड टाइप भी किसी भी चीज़ों पे कोई सी भी साड़ी ऐसे वेयर कर सकते हैं। चाहे तो आप उसे लॉन्ग रखिए या शॉर्ट रखिए या तो फुल भी रख सकते हैं क्योंकि वो सब आजकल सभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और स्टाइलिश लगता है। ये हमारा सेकेंड लुक है, आप अपने पल्ले को अपने नेक पर ऐसे रख लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक लगता है ये। और आप चाहें अगर टॉप शर्ट को फोल्ड कर लीजिए या तो लॉन्ग रखिए, या आप चाहें तो फिर ब्लाउज वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड लुक है, ये हम ऐसे बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर से यहाँ पे इसको सीधा सीधा लंबा लंबा कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है प्लेट्स के बिल्कुल बगल में लगा रखा है उसे अच्छे से।
इसे हम अंदर टक कर लेंगे, और आप चाहें तो सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये रह जाती है ऐसे, क्योंकि जब पूरी साड़ी है तो ये क्यों नहीं रह जाएगी। और आप चाहें तो आप इसको एक सेफ्टी पिन वहाँ कमर के पास लगा सकते हैं। ये हमारा ओपन पल्ला लुक हम इससे कैरी कर सकते हैं। ये देखिए वाइट और रेड का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। ये थोड़ा पिंक में आ रहा है अभी, थोड़ा सा कैमरे में थोड़ा सा डार्क पिंक टाइप में आ रहा है, बट ये रेड कलर का है। ये देखिए हम इसे ऐसे ओपन पल्ला में कैरी करेंगे, कितना प्यारा लग रहा है ये वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन। मॉडर्न विद हैवी एंड लाइट लुक है ये, सब पल्ले की वजह से थोड़ा सा हैवी हैवी लग रहा है और साड़ी की वजह से लाइट। हम साड़ी को ऐसे नेक पे रखेंगे, साड़ी का पल्ला नेक पे, और ये ऐसे स्टाइल करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लुक लगता है, यूनिक एंड डिफरेंट लुक हम कैरी कर सकते हैं ऐसे। आप कोई भी एक्सेसरीज पहन सकते हैं, हैवी या सिंपल, या आपको जैसा भी लाइट से लाइट या हैवी से हैवी आप इस पर लुक कैरी कर सकते हैं। और आप हील वगैरह, आपको जो सूट करता है, बेली हील या फ्लैट्स, आप उसे अच्छे से ले सकते हैं। देखिए मैंने इस पर कोई भी सेफ्टी पिन नहीं लगा रखा है, मेरा दुपट्टा भी अभी ऐसे ही होल्ड हो रखा है, मैंने उस पर भी नहीं लगा रखा। आप अपने दुपट्टे पे एक पिन लगा सकते हैं, और उसके अलावा इसमें कोई भी पिन नहीं है। मैंने बिल्कुल भी, मुझे ज़्यादा पिन लगा के साड़ी बताना पसंद नहीं आता है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती है। पहले पार्टी में जाने से पहले पिन लगाओ, उसके बाद फिर वो सारे पिन रिमूव करो। देखिए ये मेरा लुक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे बॉर्डर टू बॉर्डर, और एक शोल्डर पे पिन लगेगा बस, सिर्फ आपके एक शोल्डर पे पिन लगेगा और आपका पूरा लुक रेडी हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। अब हम इसको मूव करके दूसरा लुक कैरी करेंगे। हम इसको अच्छे से प्लेट्स बना लेंगे। तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लुक्स बता रही हूँ, मैंने अभी ऐसे लुक्स नहीं देखे हैं। बहुत डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है, स्टाइलिश है बिल्कुल भी। इस पर सेफ्टी पिन का झंझट नहीं है कि कोई सेफ्टी पिन आके आपको अच्छे से लगाए, क्योंकि 500 जगह खुद से जल्दी सेफ्टी पिन नहीं लगता है। तो आप फटाफट साड़ी पहनना है, और आपको अपना कोई भी जो आपका दुपट्टा है, हैवी सा या नॉर्मल सा, आप उसको कैरी कर ले बस फटाफट। सेफ्टी पिन में बहुत प्रॉब्लम होती है, जल्दी खुद नहीं लगती है, उसको बिठाने में भी बहुत टाइम लगता है अच्छे से बिठा के। इसलिए मैं ज़्यादा सेफ्टी पिन इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल फास्ट ऐसी चीज़ें बनाना पसंद है, जो बिल्कुल जल्दी से जल्दी हो जाए, आराम हो लोगों को। जैसे हम साड़ी का पल्लू बनाते हैं वैसे ही इसको बना लेंगे। अगर आप चाहें तो बॉर्डर टू बॉर्डर बना सकते हैं, उसमें सेफ्टी पिन यूज़ होता है, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर टू बॉर्डर कनेक्ट होता है। वरना अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जैसे आप साड़ी में नॉर्मल रखते हैं पल्लू, वैसा पल्लू रख सकते हैं। तो एक सिर्फ पिन लगेगा शोल्डर पे, और आपको अगर पीछे जो पल्लू है उसको अगर आपको बॉर्डर टू बॉर्डर दिखाना है, तो आप उस पर चाहे तो फिर सेफ्टी पिन से बॉर्डर टू बॉर्डर बना लीजिए, वरना ऐसे ही इसको रहने दीजिए। ये ऐसे ही अच्छा लगता है। देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा है। आप इस पर कोई भी शर्ट, टॉप, टी शर्ट, ब्लाउज़ कुछ भी कैरी कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे बंगाली लुक कैरी कर सकते हैं, गले में इसका साड़ी का जो वो पल्लू है गले में, आप चाहें तो इसको ऐसे बाजू पे इसको ऐसे फोल्ड करके एक सेफ्टी पिन लगा के एक शोल्डर पे एक हाथ पे अपना न्यू लुक कैरी कर सकते हैं। और चाहें तो इसको बैंगल की जगह भी पहन सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा हैवी आपके हाथों पे लुक आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। गर्ल्स भी चाहें तो अपने जो दुपट्टे रखे रहते हैं घर में, या आप जो भी फैमिली में किसी के हैं, उससे भी एक अच्छा लुक कैरी कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही प्यारा एक लुक है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसे, डिफरेंट सा बिल्कुल। ये डबल पल्लू लुक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो साड़ी का पल्लू है हम उसको सीधे पल्ले की तरह पूरा लेंथ रखेंगे फ्लोर तक, या जितना लहंगे की चुन्नी का पीछे जितना लेंथ है आप अपनी मर्जी से उतना रख सकते हैं। फ्लोर तक भी बहुत प्यारा लगता है ये, तो फ्लोर तक भी रख सकते हैं, या आपका जितना लहंगे का पल्लू आ रहा है आप उतना बराबर रख सकते हैं, या आपको और ऊपर नीचे करना है तो आप और भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको जहाँ पर भी अच्छा लगेगा सीधा पल्लू आप सीधा सीधा उसको कर सकते हैं। दोनों तरफ से पल्लू लुक आता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है, ये डबल पल्लू लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, यूनिक सा लगता है, बहुत ही प्रिटी लगता है, और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत से लगेंगे इसमें। आप अपनी कोई भी कमरबंद या बेल्ट, या जो ड्रेसेस में बेल्ट आती है वैसा, या कुछ भी फैंसी, या अपना गोल्ड का या आर्टिफिशियल जो होता है कमरबंद, उसे आप ऐसे अच्छे से पहन सकते हैं। देखिए कमर पर आप चाहे तो दोनों को जॉइंट करके, दोनों पल्लुओं को ऐसे अटैच करके लगा लीजिए, तो बिल्कुल फिर मूव नहीं करेंगे ये सब, और ये बहुत ही प्यारा स्टाइलिश लुक मिलता है आपको। डबल पल्लू लुक है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये लुक। और सिर्फ इसमें
दो सेफ्टी पिन है एक ही शोल्डर पे। इस वाले शोल्डर पे तो सेफ्टी पिन भी नहीं है एक्चुअली, वो तो ऐसे ही सीधा सीधा रखा हुआ है। आप चाहें तो दोनों सेफ्टी दोनों शोल्डर पे एक एक सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही सेफ्टी पिन यूज़ किया हुआ है रेड वाले की तरफ, इसको ऐसे ही घुमा के रखा हुआ है। लेकिन अगर आप कैरी कर रहे हो तो आप दोनों में एक एक सेफ्टी पिन यूज़ कीजिए। सिर्फ दो सेफ्टी पिन और इतनी अच्छा डिज़ाइन, इतना प्यारा डिज़ाइन और बिल्कुल कंफर्टेबल है ये, ज़रा भी ख़राब नहीं लगता है। आप कोई भी ज्वेलरी इस पर कैरी कीजिए, बहुत ही प्यारा लुक लगता है। कितना अच्छा लुक है ये और कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है रेड एंड वाइट गोल्डन में। साड़ी में और भी ज़्यादा कलर ऐड है, इसमें ग्रीन है, ब्लैक है, ये कितना प्यारा लुक लग रहा है। बैग भी बहुत अच्छा लग रहा है, बैग से भी तो स्टाइलिश लुक है। आप ऐसे कैरी कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। तो मुझसे ये देखिए, आप शॉर्ट करना चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं। बॉर्डर टू बॉर्डर ये कितना प्यारा फैंसी लुक लग रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम अपने नेक्स्ट लुक की तरफ चलते हैं। यहाँ से इसको ऐसे रिमूव कर लेंगे बेल्ट से, और आप चाहें तो दुपट्टे की तरह अपने हाथ पे भी इसे कैरी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है, रॉयल टाइप में बहुत अच्छा लुक लगता है ये भी। दुपट्टा बॉर्डर टू बॉर्डर कितना प्यारा लग रहा है, और ऐसे अपने हाथ में भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, या तो ज़्यादा या तो इसे थोड़ा सा पीछे हल्का छोटा करके। ये देखिए कितना, एक बार आप साड़ी पहन दीजिए, इतनी अच्छी अच्छी लुक इसमें है, ये कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो अपने हाथों पे उसे दो राउंड भी कर सकते हैं, या तो सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, या तो बैंगल सारी जगह पे या थोड़ी ऊपर सेफ्टी पिन लगा लीजिए, या तो ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, या तो उसे फोल्ड कर लीजिए। देखिए डबल फोल्ड कर लीजिए, या तो या वहाँ सिर्फ एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए। इतनी अच्छा लुक, इतना प्यारा साड़ी लोग, इसमें सिर्फ एक ही सेफ्टी पिन से है। लोग इतने सारे सेफ्टी पिन लगा के दिखाते हैं, मैंने सिर्फ एक ही सेफ्टी पिन में लगाया। मेरी हर साड़ियों पे एक खासियत है कि उसमें सेफ्टी पिन बिल्कुल नहीं होते, उसके बावजूद वो बिल्कुल टिकी रहती है, कंफर्टेबल रहते हैं। एक से दो सेफ्टी पिन से ज़्यादा जल्दी मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ईजी लुक मुझे पसंद है कि फटाफट पार्टी में जाना है तो बस आपको एक अच्छा सा लुक कैरी करना है, ये नहीं कि बहुत देर तक सेफ्टी पिन निकालने में और पहनने में ये सेफ्टी पिन टाइम लग जाए। ये हमारा नेक्स्ट लुक है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। डबल पल्लू फ्रंट में काफ़ी अच्छा लुक आता है, फ्रंट से डबल पल्लू लुक। ये देखिए कितना प्रिटी लुक है, कमर पे उसका बॉर्डर और ऐसे राउंड करते हुए। लेफ्ट पे रेड वाला पल्लू है, राइट पे वाइट वाला पल्लू है। ये देखिए कितना प्यारा डबल पल्लू लुक है, कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत कंफर्टेबल भी है। सिर्फ दो पिन दोनों शोल्डर पर लगा लीजिए, और अगर आपको आगे जो डबल पल्लू है उस पर भी पिन वगैरह लगानी है दो दो तीन दिन, तो दोनों तरफ लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट मैंने नहीं लगा रखा है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। अगर आपको लगाना है तो आप दो पिन लगा लीजिए, अगर आप ऐसे ओपन रखना चाहते हैं तो दो पिन आप लगा लीजिए। अगर आपको नेवल शो करना है तो साड़ी थोड़ी नीचे कर लीजिए, और अगर आपको नहीं शो करना है तो उसे थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। ये हम उसी लुक पर बेल्ट से एक नया और अच्छा फैंसी सा लुक क्रिएट करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक बेल्ट या किसी भी तरह की बेल्ट लेके, पतली हो, चौड़ी हो, या डिज़ाइनर हो, सिंपल हो, या उस पर वर्क हो, किसी भी तरह की बेल्ट लेके उसे ऐसे अपने कमर पे ऐसे बांध लेंगे। और दोनों शोल्डर पे तो पिन है ही, और इसमें क्या आपको पल्लुओं पे पिन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही आपसे चिपकी सी रहेगी, लेगी नहीं या आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत ही अच्छा प्यारा फैंसी लुक है, आपको आगे डबल पल्लू लुक मिल रहा है। आप जो भी कलर चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है। बैक से भी इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है, देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है ये। आप किसी भी ब्लाउज, किसी भी साड़ी, किसी भी दुपट्टे से किसी भी कलर में आप पहन सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही स्टाइलिश। और आपके घर में रखी साड़ियों से, दुपट्टों से आप एक न्यू डिफरेंट स्टाइलिश लुक कैरी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा है लुक, इसे कमर से बिल्कुल वो प्लेट्स ऐसे जाएंगी, जो आपके चुन्नी का हैवी बॉर्डर होता है दुपट्टे का, वो ऐसे कमर से जाएगा और आपको उसको बस अपने नेक पे रखना है, उसका बॉर्डर टू बॉर्डर। आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं वहाँ पे, एक या दो सिर्फ साइड में, बाकी आप चाहें तो पूरा ऐसे ही रख सकते हैं। उसको अच्छे से दुपट्टे को पीछे कर दीजिए, आगे अपना आपका फ्रंट लुक ये है। आपके किसी भी ड्रेस के साथ या आपके किसी भी टॉप या किसी भी साड़ी के साथ आपका फ्रंट लुक ऐसा हो जाएगा। और आप ऐसे नेक पे अपना जो आपका दुपट्टा है, किसी भी तरह का हैवी या लाइट,
उसको आप ऐसे वेयर कर सकते हैं। और ये स्पेशली ब्राइडल दुपट्टे के लिए, जो हमारा लहंगे में होता है ना, जो हम यूज़ नहीं कर पाते, वो स्पेशली अगर आप ऐसा लुक रखें कि वो हैवी होता है और साड़ी आप किसी टाइप की पहने तो बहुत अच्छा लुक होता है। और आपको डबल बिल्कुल हैवी लुक रखना है तो आप साड़ी भी हैवी रखिए और दुपट्टा भी हैवी रखिए। और आप चाहें तो इसको ऐसे अपने नेक पे राउंड भी करके ऐसे पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक लगता है। आगे डबल पल्लू में स्टाइलिश सा लुक है, पूरा अच्छे से कवर भी है। आपको फ्रॉन्ट करना है, फ्रॉन्ट भी कर सकते हैं, और आपको कवर रखना है तो आप कवर भी रख सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही अच्छा लुक है। आपके एक दुपट्टे से आप इतने सारे लुक कैरी कर सकते हैं, उसे रीयूज़ कर सकते हैं। ये साड़ी भी अच्छी बंधी हुई है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है रेड एंड वाइट का। आप चाहें तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के ब्लाउज, चोली या कोई टॉप या कोई भी शर्ट किसी भी तरह की उस पर कैरी कर सकते हैं। कि ऐसे बिल्कुल सिंपल सा है फिर भी कितना प्यारा लग रहा है। कोई इसमें टाइम नहीं है, कोई आपको इसमें बहुत सारे पिन नहीं यूज़ करने हैं, नॉर्मल बिल्कुल एक दो पिन ही लगेंगे आपको हर जगह। अगर आप ज़्यादा पिन यूज़ नहीं करना चाहें तो नॉर्मली आपका एक दो तीन पिन में पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। ये हमारा जो हम लहंगे में ब्राइडल तरीके से यूज़ करते हैं आजकल, ऐसे ही चलता है लहंगे पे, वैसा लुक है। आपका वो साड़ी का पल्लू राइट साइड पे है ही पूरा फ्रो टच, आप चाहे तो उसको थोड़ा ऊपर या नीचे रख सकते हैं। और अपना जो आपका दुपट्टा है वो वैसे ही कवर से होते हुए घूमते हुए वो ऐसे कर लेफ़्ट शोल्डर पे ही आप अपने दुपट्टे को भी टक करेंगे, और लेफ़्ट शोल्डर से ही आपका जो साड़ी का पल्लू है वो भी फ्रो टच आ रहा है लेफ्ट से ही। देखिए कितना प्यारा लग रहा है डबल पल्लू लुक। लहंगे स्टाइल में आप ऐसे अपने लहंगे के दुपट्टे को वेयर कर सकते हैं, ये कितना प्यारा लुक लग रहा है। अगर आप पल्लू पर से नहीं तो आप उसे पल्लू भी ले सकते हैं, वरना आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये गर्ल्स भी कैरी कर सकती है अपने दुपट्टे और साड़ी का कॉम्बिनेशन करके, या अपने घर में जो आपके लहंगे पड़े हैं किसी और के, उनके दुपट्टे के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर टू बॉर्डर शो करना है तो आप सिर्फ बॉर्डर टू बॉर्डर शो करेंगे तो उसको आपको सेफ्टी पिन से बॉर्डर टू बॉर्डर बनाना पड़ेगा, वरना आप ऐसे भी लुक कैरी कर सकते हैं या बॉर्डर टू बॉर्डर भी कर सकते हैं। नेवल शो करना है तो कीजिए, नहीं करना तो आप उसे कवर कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस पर आप किसी भी तरह का कमरबंद बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फैंसी लुक आपको ये देगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इतनी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।